कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने रविवार को जनता कर्फ्यू की प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया है। उन्होंने खुद भी यह अपील मानने की बात कही। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री कोरोना के मुकाबले के लिए किसी कार्रवाई की बात नहीं बता सके। गौरतलब है कि गत दिवस पीएम ने राष्ट्र के सामने अपने संबोधन में रविवार को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण में कार्रवाई का वादा नदारद था। बहुत सारे लोग परेशान हैं, मांग नीचे जा रही है, पर्यटन उद्योग बदहाल है, दिहाड़ी मजदूरों के सामने अभूतपूर्व संकट है, देश में अर्थव्यवस्था को बल देने की जरूरत है। थरूर के मुताबिक देश के लोगों को एक साथ आने की जरूरत है, क्योंकि वायरस किसी राजनीतिक दल को नहीं दिखेगा। प्रधानमंत्री ने पूरे देश की एकजुटता की जो अपील की है वह सही है। जनता कर्फ्यू इसी का एक तरीका है। रविवार इसके लिए सबसे आसान दिन है। एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग केवल नैतिक उपदेशों से नहीं जीती जा सकती, लॉकडाउन इसका एकमात्र समाधान है। चिदंबरम ने भी प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए कदमों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा पीएम को सामाजिक और आर्थिक कदम उठाने होंगे तथा बिना समय गंवाए साहसिक फैसले लेने होंगे। चिदंबरम ने कहा कल मुझे लगा कि प्रधानमंत्री हालात जांच रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बार्स रिपोर्ट को।